जूलॉजी की क्लास में जानेंगे कि आखिर रेशम का धागा कैसे बनता है। तो आइए जानते हैं रेशम का धागा कैसे बनता है। धागे का जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन करने का, उसमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें? ये ध्यान रखना है कि जो धागा हम बना रहे हैं उसमें ज़्यादा ना उसका जो जूट रहता है वो ज़्यादा ना जाए, क्योंकि उससे धागे की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, वो फिर ना बिकेगा और ना ही किसी काम का आएगा, तो हमें उसका मेहनत भी ख़राब हो जाएगी।
कर रहे हैं? ये हम लोग मटके से धागा निकालते हैं, जो रहता है ना कोसा बुनियाद, और उसमें निकालते हैं उसका जो बचा हुआ रहता है पार्ट, उसका निकालता है। अच्छा। निकालते हैं ना। तो धागा निकालते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हमें मतलब अपना इस प्रकार से पकड़ना पड़ता है, और यहाँ बस ये देखना पड़ता है कि एक साथ ना मत जाए, फंसा मत, ऐसा समान रूप से धागा निकलना चाहिए। जी जी ऐसा है। और बारीक निकलना चाहिए, बारीक धागा निकालना है अपने को, और अटा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ता है। यस सर। मटके से धागा निकालते हैं ना, उसके बाद जो धागा रहता है उसको बॉबिन में ऐसा रिंग करना रहता है, फिर इसको रीरिलिंग करके गुच्छा बनाया जाता है। Like my video, then do like, share, subscribe to my channel. It's really helped me a lot.